आज कौन सा महीना चल रहा है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? आज क्या है? अप्रैल फूल बना रहे हो तेरे को? हेलो जी, हाँ जी बोलो। जी बाबू कुछ नहीं भाभी, भैया बताएंगे आपको, घर आएंगे तो भैया आएंगे घर तो आपको खुद ही बता देंगे। नहीं आपका बचपन बताया भाभी, अभी हम सतीश सर का वेट कर रहे हैं, फिर भैया आपको अपने आप ही बता देंगे कि क्या हुआ। भाभी आप मेरे से, आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? आपके हस्बैंड आएंगे घर, आप उनसे पूछना कि क्या हुआ। वो तो बात सही है, पर इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी कुछ हुआ नहीं, तभी तो मैंने कभी कुछ ऐसा कंप्लेंट भी नहीं करी। मैं तो हमेशा अच्छे से ही रखती हूँ, चाहे आप हो चाहे वो, मेरा तो प्यार रहता ही है। जी जी, उन्होंने बोला कि अगर अब कुछ हुआ है, अब कुछ हुआ है तभी तभी हम यहाँ सतीश सर के ऑफिस में बैठे हैं। अब कुछ हुआ है तभी हम सतीश सर के ऑफिस में बैठे हैं ना, नहीं तो हम यहाँ पे क्यों बैठे थे। भाभी मिथुन भी आएंगे, वो अपने आप बताएंगे आपको। भाभी आपके सॉरी बोलने से क्या होगा, अभी आ रहे हैं सतीश सर, फिर हम करते हैं बात, तो आपको बताएंगे फिर भाई अपने। भाभी मैं भी रेंट पे रहती हूँ, पर कभी कभार ना हम इग्नोर कर देते हैं, एक बार दो बार, बार बार हम इग्नोर नहीं कर सकते ना हर चीज़ को। नहीं हाँ जी, आप रो रहे हो क्या? नहीं नहीं भाभी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आएंगे भैया तो अपने आप बात करेंगे। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने आप, भैया आएंगे तो उनसे बात कर लेना, मैं काट रही हूँ। भाई जल्दी से पांडा फोड़ देते, नहीं पता लगे हमारा अप्रैल फूल हो गया। वो पर टेंशन ले रहे हैं, वो ज्यादा कह रही, मैं माफी मांगती हूँ। सर भी बैठे है हमारे साथ। अभी तुम बोलो, तुम दोनों एक साथ फूल वाला लेना, ठीक है? ज्यादा मत बढ़ा। हेलो, ज्यादा क्रिटिकल होता है। हां जी बोलो यार, मैं क्या करूं यार, मैं आज कौन सा महीना चल रहा है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अप्रैल फूल बनाए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भाई मेरे भैया जैसे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं रखता हूँ, काम कर रहा हूँ। ओके ओके अच्छा ठीक है, बाय भाभी, सॉरी 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 भाभी, इन्होंने मुझे प्लान में ले लिया, मैंने मेरा प्लान नहीं था ये। आपका पति देव घर जाना? नहीं नहीं, बाय चांस मेरे भाई ने मुझे, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझे प्लान करने के लिए फ़ोन करा था, तो हमने एक्चुअली उसका प्लान सुन के मेरे भैया को
एक प्रैंक सूजा जो यहाँ पे ये काम करते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि कुछ ऐसा मतलब पेशेंट के और मेरे बीच में कुछ कंप्लेंट कर रही है, इस वजह से उनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूम में बुलाया वगैरह। तो ऐसे हमने प्रैंक करा, जिस प्रैंक के बारे में मैंने नहीं सोचा था, एक्चुअली उन्होंने अपने आप से वो प्रैंक बनाया और वो प्रैंक कर दिया। तो वो प्रैंक में हमने तो वो भैया की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उन्होंने मेरा नाम घुसा दिया और मुझसे पूछा ही नहीं। बट जब उन्होंने मुझे कॉल बैक करा भाभी ने कि क्या हुआ है तुम्हारे बीच में, क्या तुम दोनों का क्या इशू हो गया, या फिर तुम क्यों कंप्लेंट कर रही हो, मत करो कंप्लेंट, हुआ क्या बताओ, तो ये तो उस चीज़ की तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो मैं अभी डाल दूँगी। बट भैया ने जो बोला कि मुझे बुला रहे हैं ऑफिस में एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं हो पाया क्योंकि आई वाजंट थिंकिंग टू डू दैट। सो यार, तो अब मैं एक और प्रैंक करने की सोच रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने फ्रेंड को, एक्चुअली मेरे भाई और मेरी बेट लगी थी कि वो मेरे कहते ही मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा कि नहीं। तो अब हम उस पर ये प्रैंक करेंगे कि कुछ गुम गया है मेरी वजह से, यहाँ पे किसी का मैंने कुछ घुमा दिया है, तो अब वो मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मुझे उससे पैसे देने हैं। तो अब देखते हैं कि वो मानेगा कि नहीं। बट मैं अपने फ्रेंड से इतनी बात नहीं करती, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो लेट्स सी, लड़ाई भी हो गई थी हमारी, तो लेट्स सी अगर वो मान जाता है कि नहीं। तो ये प्रैंक नंबर टू होगा। वैसे मैंने एक और प्रैंक सोचा था किसी थेरेपिस्ट पर करने का, बट आई डोंट थिंक सो वो हो पाएगा, क्योंकि आज कोई कैंप वगैरह है तो सब बहुत बिजी हैं। बट ट्राई करते हैं, सेकेंड तो ट्राई करते हैं, थर्ड का थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। लेट्स सी कोई हमारे को सपोर्ट करने के लिए मिलता है कि नहीं। बट सेकंड प्रैंक तो हम करते हैं, तो फोन करते हैं। सर उसने उठा लिया था और मैंने कैमरा टर्न नहीं किया था, तो दोबारा उसे फोन कर लूँ। हेलो, कहाँ कहाँ पर है? हाय, अच्छा खाना खा रहा था? तो खाना खाने कब जाएगा? तो उसने ना अपना डायमंड वाला दिखाया मुझे, तो एकदम से ना वो हाथ से मेरे, मतलब ऐसे एक्सरसाइज में 3-4 पेशेंट थे आज मैट पे, क्योंकि कैंप लगा तो बहुत भीड़ हो रही थी, कुछ हड्डियों की जांच वगैरह हो रही है, तो वो मेरे हाथ से ऐसे ही गिर गया। तो मैंने ढूंढा तो मेरे को मिला नहीं वो इतनी देर से, और वो कह रही है कि पैसे दे दे, तो तू मुझे पेटीएम दे दे फिर मैं तेरे को दे देती हूँ जब आएंगे मेरे पास। क्या नंबर दे दे, मैं सीधे पेटीएम करा देता हूँ, क्या पहले तेरे को करूँ? यार मम्मी को मत बताइयो, कह रहे कि अभी दे दे, नहीं तो हाँ ना दे देते, कोई बात नहीं, तो मैं बताऊंगा तू मेरे नंबर पे दे दे पेटीएम, मेरे पास आएंगे तो मैं तुझे दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं, तेरे नंबर पे कहा दूँ ना? हाँ ठीक है, मैं करूँ। ठीक है, कब कराएं? हेलो, मैं कह रही हूँ कब तक कराएगा? अभी करा दो 2 मिनट। ठीक है, फिर मम्मी को मत बताएं। यार रो मत, यार तो रो मत, नहीं बताऊंगा तो रो मत, प्लीज मैं कराऊंगा। ठीक है, शिट मेरे से गलती हो गई, मैं स्पीकर का वो स्पीकर दबाना भूल गई, शिट शिट शिट, मुझे ना प्रैंक करने में ना प्रो बनना पड़ेगा। आई देखती हूँ मैं वीडियो में, अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो मैं बढ़ा दूंगी, बट मैं प्रैंक पूरा अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लास्ट में वो स्पीकर ऑन करा और पहले स्पीकर ऑन करना चाहिए था, और शुड आई फॉरगॉट, आई गॉट नर्वस बिकॉज उसने फटाफट फ़ोन उठा लिया ना एक सेकंड में, भाभी ने फ़ोन उठाने में थोड़ा सा वक्त लगाया था, तो मैंने स्पीकर विकर कर लिया था और उनको मैंने ऐसे कह दिया था हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही, पर इसे मेरा फ़ोन बड़ा जल्दी उठा लिया 10 सेकंड में, तभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई और मैंने स्पीकर ऑन नहीं करा। बट आई होप, बट ये एक्चुअली प्रैंक से ज़्यादा ये था कि मैं 3,000 रुपये निकलवा सकती हूँ एक्टिंग करके
सोचो कि मेरे भाई को 1,000 नहीं मिले, मैंने 3,000 निकलवा लिए, तो ये मेरा मतलब एक तरीके से ये प्लान भी पूरा हो गया। देखते हैं, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी अगर पैसे आए कि नहीं आए। हाँ आ गई, आ गई, अब क्या बोले, तो बोलेगा विनीत को, विनीत मुझे मैसेज कर रहा है, वो मुझे मैसेज कर रहा है कि कहता है कि मेरे से वो चीप कली बोल रहा था पैसों के लिए और मैंने उसे नहीं दिए। कि भैया आप इतने अच्छे हो, मैंने मांगे आपने मुझे दे दिए। मुझे मैसेज कर रहा है कि उसको बोल दे कि तूने मांगे इसलिए मैं दे रहा हूँ। अभी तो यही बोल, फिर ना मैं, फिर ना बल, मैं थोड़ी देर बाद पोल खोलूंगी, अभी तू उसको बोल थैंक यू भैया ये वो, ठीक है। अब हमने तीसरा जो प्रैंक करना चाहा था वो प्रैंक नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो भीड़ ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तभी मैं अपने वो प्रैंक करती हूँ जिसमें मैं अकेले इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि किसी की हेल्प अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा सा हो जाओगे। तो दो ही प्रैंक हो पाए जिसमें सिर्फ मैं इन्वॉल्व थी। आई थिंक तीसरे वाले में लोग भी ज्यादा लगते, लेकिन मजा भी बहुत आता, बट वो सर बहुत बिजी थे बेचारे। सो कोई नहीं, दो प्रैंक से काम चला लेते हैं इस बार। दिखाना, हेलो हेलो, अब ठीक हुई नहीं दे रहा मुझे। मैंने बोल दिया था नोटिस के, मैं उसका व्हाट्सएप पे आया था, कह रहा भैया मुझे चाहिए। मैंने कहा, फिर मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा देखो कितने चाहिए थे, कह रहा मुझे चाहिए इंसान। अच्छा विनीत, आज क्या तारीख है? आज 1 अप्रैल। मैं फिर फूल बना रहा हूँ तेरे को। ठंडा रिएक्शन था इसने। मुझे कहा कि विनीत मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मैंने कहा ये मैं बोलूंगी तो ये दे देगा, तो इसने कहा नहीं देगा, देख ले, वो कह रहा है कि उसका क्रेडिट कार्ड का बिल है। तो मैंने कहा नहीं मैं ले लूंगी, तो मैंने कहा चल, आज एकदम से आइडिया आया कि चला 1 तारीख का इसी चीज का प्रैंक करते हैं। मैं नहीं रो रही थी, मुझे बस यही लगा अगर वीडियो कॉल बोल दिया ना तो पकड़ी जाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज, ये अनप्लान्ड काइंड ऑफ अप्रैल फूल का जो ये हमने प्रैंक करे उसके लिए, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे प्रैंक के एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि सोचा नहीं था, अगर सोचा था तो बहुत अच्छे से प्लान करती एकदम दिमाग लगा के, बट ऐसे ही एकदम से मन बन गया प्लान करने का, क्योंकि प्लान मेरे भाई ने शुरुआत करी थी मेरे पे करने की, इसलिए मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज मुझे पहले सुबह आइडिया आ गया होता तो शायद प्लान थोड़े से प्रैंक और बेटर हो सकते थे। तो अभी के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।